नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वनिंदा में। मैं हूं आपके साथ बबिता झा। कोरोना महामारी के बाद एक और महामारी बहुत तेजी से देश में फैल रही है। देश की बात नहीं, सॉरी, मैं बात करूंगी विदेशों में फैल रही है, खास करके दक्षिण अफ्रीकी देश जो है, ये यूरोपियन देश है। 15 दिनों में 19 से ज्यादा देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। मंकी पॉक्स नाम है, लेकिन इसके लक्षण जो है बहुत ही अलग दिख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चेचक से मिलता जुलता है, लेकिन इसके लक्षण है और जिस रफ्तार में ये फैल रही है उसमें एक सवाल उठेगा, क्या भारत पर भी इसका खतरा है? क्या भारत में भी ये मंकी पॉक्स का अटैक हो सकता है? आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टरों की पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति है, डॉक्टर श्रुति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम स्वागत है आपका। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता है, मैम कैलाश हॉस्पिटल से है। डॉक्टर आशीष जायसवाल है, फिजिशियन है और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैम आपसे करूंगी, श्रुति मैम आपसे करूंगी। भारत में नहीं है अभी इसके मामले, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि अगर भारत में आता है तो कैसे एक आम इंसान इस चीज को समझे कि ये लक्षण जो है सामान्य नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, इसको कैसे समझे? नमस्कार। एक्चुअली पिछले कुछ सालों में जिस तरह का कहर कोविड ने ढाया है और जो डर आम जनता के मन में आज मंकी पॉक्स के नाम सुनकर ही आ रहा है, इस कनेक्शन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम समझें कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है। इसमें और बहुत सारे अलग पॉक्स साउंडिंग नेम्स में, स्मॉल पॉक्स में, चिकन पॉक्स में क्या अंतर है और क्या ये कोविड जैसी महामारी का रूप ले सकता है? इस बीमारी से रिलेटेड जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें क्लियर करना ज़रूरी है ताकि फिर से एक फियर साइकोसिस ना डेवलप होने लगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मंकी पॉक्स के कई एस्पेक्ट्स स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से रिलेटेड हैं, डेफिनेटली रिलेटेड हैं, लेकिन इसके कई एसेंशियल एलिमेंट्स में ये स्मॉल पॉक्स से या कोविड से बिल्कुल अलग है, जो आम तौर पर आजकल एक सवाल लोगों के मन में है। मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज है बट सीरियस डिजीज है, जो फ्लू जैसे सिम्टम से शुरू होता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और एक रैश है जो कि पूरे फेस में पूरी बॉडी को भी कवर कर सकता है। तो मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स ऑलमोस्ट सेम फैमिली के हैं, जिसका पॉक्स वायरली सिम्टम्स भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं, पर यहाँ दोनों की सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती है क्योंकि मंकी पॉक्स के फैलने की क्षमता, डिजीज की सिवियरिटी और मोर्टैलिटी स्मॉल पॉक्स से काफी कम है। यहाँ स्मॉल पॉक्स की मोर्टैलिटी हम अगर देखें तो ऑलमोस्ट 30% थी, वहीं मंकी पॉक्स की ऑन एन एवरेज 3 से 6% ही है। अराउंड 1950s के दौरान में जब स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इराडिकेट हो चुका था, तब जब हम ड्रग्स और वैक्सीन का रिसर्च कर रहे थे तब मंकीज में ये बीमारी सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। ऑल्दो मंकीज इसके नेचुरल रिजर्वॉयर नहीं है, नेचुरल रिजर्वॉयर्स के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि रोडेंट्स, रैट्स, स्क्विरल्स ये सब होस्ट होने की संभावना है। पहले मंकी केस के बाद 1970s में रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका से 2017-18 में यूएसए, सिंगापुर, नाइजीरिया तक अब केसेस मिल रहे हैं। 2018 के बाद ये पहला नॉन एंडेमिक कंट्रीज में फैला है और आज के डेट में तो हमें पता ही है कि ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में फैला हुआ है। जी डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, मैं आपसे जानना, जो क्या भारत में जो हम लोग रह रहे हैं हमें वरीड होने की जरूरत है, हमें चिंतित होने की जरूरत है? मैम आपका माइक म्यूट है, इसको अनम्यूट कर दें। मैम सॉरी फॉर दैट। या जैसे डॉक्टर श्रुति ने आपको बताया कि अभी इंडिया में अभी तक इसके मामले नहीं रिपोर्ट हुए हैं, पर अगर होने को देखा जाए तो यस इट कैन हैपन इन इंडिया आल्सो। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया छूता है और ये इसका इन्फेक्शन वो फ्लू लाइक इलनेस की तरह ही, मतलब थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स और कॉन्टेक्ट, इफ वन पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अदर पर्सन कैन हैपन, बट इसका स्प्रेड उस तरीके से नहीं है जैसा कि कोविड का होता है।
उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी हाई नहीं है. दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो स्पेशली ये डीएनए वायरस वैक्सीन डीएनए वायरस है, तो इसका एक और बढ़िया चीज है कि ये म्यूटेट ज्यादा नहीं करता है. तो उसकी वजह से भी जैसे कोविड में क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा म्यूटेट हो रहा था, तो हर बार एक नई वेव आई जा रही थी विद न्यू वेरिएंट. विद दिस वेरी अनलाइकली डीएनए वायरस की यूजुअली नेचर नहीं होती है वो बहुत ज्यादा म्यूटेट करने की, तो एक पॉजिटिव चीज है. रही बात इंडिया में आने की, यस हो सकता है, बट अभी तक जो कुछ भी केसेस हुए थे, जैसे चाहे सिंगापुर में 2021 में केसेस आए थे या उससे पहले भी, तो सिंगापुर में तो एक भी मोर्टैलिटी नहीं थी. टोटल आई थिंक 17 या 20 केसेस थे या 27 केसेस, एक भी मोर्टैलिटी. तो इट कैन अपियर जस्ट लाइक दैट ऑफ एनी चिकन पॉक्स काइंड ऑफ इन्फेक्शन, एज डॉक्टर श्रुति हैज सेड एंड ऑल. बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, बट डेफिनेटली इफ एनी न्यू थिंग्स हैव कम, तो आजकल no country has got any boundary. The world is one, it's all global because of this thing. So main ye nahi kahungi ki nahi aisa hai ki India mein nahi ho sakta ya kuch bhi, but iska koi fear psychosis hone ki zarurat nahi hai. Aur sabse badi baat hai, jaise chicken pox hoti hai, uske saath kya ho raha tha, ek ek risk hota hai encephalitis, encephalopathy yani dimagi bukhar hona, meningitis hona ya lungs mein involve kar lena, ये सब साइड इफेक्ट, या किडनी इन्वॉल्व कर लेना, ये सब साइड इफेक्ट्स एक कॉम्प्लिकेशन कुछ परसेंटेज में चिकन पॉक्स में रहती है, और हम लोग उस चीज से फिंगर क्रॉस करके रहते हैं. लेकिन अभी तक जितने मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के अक्सर देखी गई है, बहुत ज्यादा उसमें इस टाइप की पिक्चर, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट, आई मीन द ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से नहीं मिला है. अक्सर जो रहा है वो बेसिकली फीवर, सोलन लिम्फ नोड्स एंड द रैशेस. This is how it has happened, and mortality is almost negligible, or in few cases it is reported up to 1%. Dr. Jaiswal, जैसे कि हमने COVID के second wave में देखा था, internal organ जो था बहुत impact हुआ था, बहुत ही affected हुआ था, क्या monkey pox अभी जितने studies सामने हैं उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या internal organ को harm करता है? नहीं, देखिए पहले समझना पड़ेगा ये डिफर करता है. जो हमारा कोविड वायरस है, कोविड वायरस एक आरएनए वायरस था, ये डीएनए वायरस है, जैसा मैडम रुचिरा मैम ने बोला, बिकॉज इट्स अ डीएनए वायरस, तो इसके अगेंस्ट जो म्यूटेशंस बहुत कम होते हैं. सो ये डीएनए जो वायरस है, जब ये आरएनए वायरस जब ज्यादा इन्फेक्ट करता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है. जो कोविड 19 में भी जो कॉज ऑफ डेथ था, दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म. हमारा बॉडी के अंदर जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, जिसको हम एमओडीएस बोलते हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, बहुत कॉमन होता है. पर इस केस में मंकी पॉक्स में ऐसा देखा नहीं गया है. इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म जैसा कोई फिनोमिनन अभी तक तो देखा नहीं गया है. हाँ, इसमें कुछ साइटोकाइन बढ़ते हैं, कुछ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बढ़ते हैं, मगर उस लेवल पे नहीं बढ़ते जिस लेवल में कोविड 19 में देखा गया था. सेकेंडली, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे लंग है या लिवर, किडनी, ब्रेन, इनको इन्वॉल्व नहीं करता, जैसे रुचिरा मैम ने पहले बोला हुआ है. सो ये ऑर्गन जो बेसिक जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व नहीं करता, कोई साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं करता, इसीलिए कोई फियर फैक्टर नहीं है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया कि क्या ये इंडिया में आ सकता है? आ तो सकता है, बिकॉज वर्ल्ड इज नो वन ऑनली, देयर इज नो बैरियर, बट चांसेस कम होते हैं, बिकॉज जो इसका अभी भी जो मोस्ट कॉमन स्प्रेड, जो वे ऑफ स्प्रेड है, दैट इज विद द इंटीमेट कॉन्टैक्ट से ज्यादा होता है. आपने देखा होगा कि जो सम जो होमोसेक्सुअल्स हैं, जो गे पर्सन है, उनमें ये इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन पाया जाता है. तो जो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं MSM, दैट इज सेक्स, मैन सेक्स विद मैन, उनके अंदर ये जो वायरस है उसका जितना ज्यादा इंटीमेट होता है, उतना ही ज्यादा ये हम लोगों को इन्फेक्शन लोगों को स्प्रेड कर सकता है. इसका नो डाउट जो इसका जब इसका मैक्यूल बनता है, मैक्यूल के बाद वेसाइकिल बनता है, वेसाइकिल में फ्लूड आना चालू हो जाता है, तो वो जो फेज है, वो जो 15 से 20 दिन का फेज है, उसी फेज में ये ट्रांसमिट हो सकता है. मगर क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, घर में अगर किसी को चिकन पॉक्स भी होता है तब भी हम लोग आइसोलेशन में रहते हैं, तो चांसेस बहुत कम हो जाता है. इसलिए उस तरीके से ट्रांसमिशन इसका कम होता है. मगर जो ट्रांसमिशन जो दूसरा कॉन्टैक्ट है, इसीलिए आप देखिए इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सिंगापुर में, यूरोपियन कंट्रीज में, इनफैक्ट यूएसए में भी बड़ा कॉमन है, बिकॉज जो वे ऑफ स्प्रेड है वो दूसरा है, ना कि रेस्पिरेटरी है. यस, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कॉन्टैक्ट से, फोमाइट से भी फैल सकता है, पर ये बहुत बहुत कम परसेंटेज है. सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कम हैं, तो इसका स्प्रेड इंडिया में बहुत कम है, ना के बराबर होना चाहिए. सो डेफिनेटली ये किसी बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करता, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं ना. बस एक चीज है, ये लिम्फ नोड का इन्वॉल्व करता है,
जो कि स्मॉल पॉक्स में नहीं था। और एक अच्छी बात ये भी है कि जिन लोगों को पहले स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है उसको लोगों को क्रॉस इम्यूनिटी भी है, और इंडिया में अभी भी बहुत से एरिया में हर जगह काफी ये वैक्सीनेशन लगता है, इसलिए शायद इंडिया की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो लोग अभी भी इसके लिए इम्यून है, रेजिस्टेंट है, बिकॉज इस वैक्सीन का क्रॉस रेफरेंस का क्रॉस फायदा होता है, इसलिए इंडिया में चांसेस कम है और ये बॉडी की किसी और बॉडी और वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करता। डॉक्टर श्रुति आपसे जानना चाहेंगे, प्रिकॉशनरी मैं जानना चाहूंगी कि इसके कौन से सिम्टम्स देख के ये समझे कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, या अगर माइल्ड सिम्टम है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? डॉक्टर आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। चिकन पॉक्स में या जो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स का जो एवोल्यूशन है उसका एक बिल्कुल जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, जिसमें सबसे पहले एक जिसको कहते हैं एक इनोक्यूलेशन जैसा स्किन में एक लीजन बनेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड में जाके वायरस वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में फैलता है, वहाँ से एक सेकेंडरी वायरीमिया होती है। तो आमतौर पर जो देखा गया है इसके सिम्टम्स जनरली बहुत माइल्ड ही रहते हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हम कहेंगे, लीजन्स बनेंगे जो कि 2-3 दिन के बाद आएंगे, फ्रॉम फीवर जो आएगा वो 2-3 दिन बाद आएगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ रैश। तो अगर हम ये कहें कि वो कौन सा समय है जिस समय पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इनिशियली तो हमें अपने हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पैरासिटामोल है, या अगर बॉडी पेन है, मसल एक, फटीग, ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, तब तक तो हमें डॉक्टर के पास जाने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम ये भी जानते हैं कि इनिशियली पेशेंट्स को खुद को आइसोलेट करके रखना चाहिए। हाँ, लेकिन जब लीजन्स थोड़े भर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या फीवर नॉन रिस्पॉन्सिव है टू पैरासिटामोल, या जो आपके लीजन्स हैं वो थोड़े सेपरेट कर रहे हैं, एक वो सिचुएशन होती है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि मंकी पॉक्स में जैसा हमने देखा है पहले, अभी वाला जो वेरिएंट है वो वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि काफ़ी माइल्ड है। तो मेरे हिसाब से इस दौरान माइल्ड इन्फेक्शन ही प्रिडिक्टेड हैं और डॉक्टर्स विजिट की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्टर रुचिरा आपसे जानना चाहेंगे, क्या जैसे हमने कोविड के समय देखा था कि मदर से या प्रेग्नेंट वुमेन से उनके बच्चों को, ऐसा क्या इसमें देखा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवा रही हैं माएं तो उनके बच्चों को होने का खतरा है, इस तरह का कोई क्या इसमें बनते हैं इस तरह की मंकी पॉक्स में? देखिए वो मंकी पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, कोई सा भी पॉक्स हो जिसमें स्किन लीजन्स हैं, और अगर लीजन्स आर मोस्ट इन्फेक्टिव एंड लीजन्स से डेफिनेटली कॉन्टेक्ट होता है तो रिस्क हो सकता है, वो किसी को भी रिस्क हो सकता है, राइट? सो दैट वे रिस्क इज देयर, बट फ्रॉम मदर इफ इट वेदर इट इज गेटिंग ट्रांसफर टू बेबी थ्रू वर्टिकल वर्टिकल ट्रांसमिशन दैट इज through birth, I mean through placenta, उसके लिए very little literature is available, okay? For example, chicken pox also, उसमें जरूरी नहीं है कि बच्चों को हो, but yes, बच्चा हो गया है, mother है, mother को infection है, I mean you will have to go by, I mean it's a common sense thing, because वो contagious है, वो किसी के लिए भी, तो वो बच्चे के लिए भी है, अगर mother को suppose baby infant 3 months का है, mother gets any pox, maybe chicken pox or this thing, then the baby should not be staying with the mother because it's highly contagious. That way it can transmit because the baby will be in close touch with the mother. And if there are lesions, skin lesions, then there will be an issue. इसमें भी आइसोलेशन की बात कही जा रही है, जिन देशों में फैला है वहाँ आइसोलेशन की बात कही जा रही है, इसलिए मेरा ये सवाल था कि अगर अगर घर में किसी एक को हो जाए तो वो आइसोलेशन की व्यवस्था क्या, जो हम नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे कोविड में, क्या उसी तरह की होती है या कुछ अलग होता है इसमें? डॉक्टर जायसवाल, देखिए आइसोलेशन जहां तक बात है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन नहीं कहा गया है, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसकी इन्फेक्टिविटी और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। सो आज अगर किसी को मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन ड्रॉपलेट या कॉन्टैक्ट या फोमाइट कहीं से हुआ है, सो ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आएगा, ये 3-5 दिन लेगा ये पहला अपने को स्किन लीजन आने में।
जब स्किन लीजन आता है उसके बाद से नेक्स्ट जो 5 से 21 दिन के बीच में ये वायरस ट्रांसमिसिबल हो सकता है, ये किसी के जो ड्रॉपलेट में जो वेसाइकल बना है उसके थ्रू में जा सकता है। ये बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी बोला, बहुत ज्यादा इसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कंटेजियस नहीं है, ऑल्दो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंटेड है, पर ये बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है। इससे जैसा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन हमने बोला था वैसा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इसमें नहीं बोला गया है। सेकेंडली, अभी स्टडीज बहुत कम है, इंडिया में बहुत इन्फेक्शन कम आया है, तो बहुत कह पाना कि इसका स्ट्रिक्ट आइसोलेशन कैसे करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें ऐसा कोई वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं ना। बस हाँ, जो मास्क का यूज है वो सेम जैसा COVID-19 में था वैसे इसमें किया जाएगा, बिकॉज मास्क एक इनफ है जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए। सो अगर आप घर में मास्क लगा, सपोज किसी को घर में चिकन पॉक्स ही हो गया और अगर आपने लिम्फ नोड एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चिकन पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है, बिकॉज लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो मंकी पॉक्स में होता है वही इसको डिफर कराता है आपके चिकन पॉक्स से। सो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप एक कमरे में अलग से रह रहे हैं, आप घर में मास्क का यूज जो कि कर रहे हैं, तब भी इससे भी हमारा काम चल जाएगा और हमें इतना स्ट्रिक्ट आइसोलेशन की जरूरत इसके अंदर अभी तक तो नहीं है। डॉक्टर श्रुति, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की अगर हम प्रिकॉशन ले, किस तरह का प्रिकॉशन अगर हम ले तो इससे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअली देखिए, हमने ये पहले भी देखा है, पहले भी डॉक्टर्स अभी हम बता ही रहे कि ट्रांसमिशन एक्चुअली काफी कम है। एक कोविड के समय में हमने देखा था आर वैल्यू काफी ज्यादा था। आर वैल्यू जो हम कहते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन किसको इन्फेक्ट कर सकता है, हमारे मंकी पॉक्स में की आर वैल्यू 1 से भी कम है। एक इन्फेक्टेड पर्सन एक को भी शायद ही इन्फेक्ट कर पाएगा। तो प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है, एक तो जो लोग ससेप्टिबल हैं, जैसे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनमें तो थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत भी, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी वैसे मेजर्स जो जनरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, जो न्यूट्रिशन, जो अच्छी साग सब्जी फल फ्रूट से अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करके रखें, पहली चीज़। थोड़ा फ्लूइड इनटेक बढ़ा के रखें, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ तो हमें इंडिया में कोई केसेस है नहीं, और इंटरनेशनल ट्रैवल अगर हम कर रहे हैं तो स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे एंडेमिक है या जहाँ मंकी पॉक्स के केसेस पाए गए हैं, अगर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वहाँ जाने से तो गुड इनफ। पर इन केस हम किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू ट्रांसमिशन 1 से 2 फीट से ज़्यादा होता नहीं है। तो उतने इन्फेक्टिविटी अपने आप को उतना बचाने के लिए एक मास्क और स्टेइंग अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड प्लेसेस इज गुड इनफ। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि हैंड हाइजीन मेंटेन करना, जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेफिनेटली एक रिस्क है, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए पीपीई की रिक्वायरमेंट, पीपीई का यू नो रेगुलर यूसेज इम्पॉर्टेंट है, बट अदरवाइज आम जनता के लिए तो इतनी प्रिवेंटिव मेजर्स कि वो वैसी जगहों पे ना जाएं एज ऑफ नाउ जहां पर मंकी पॉक्स एंडेमिक है, इतना इनफ है। क्या कुछ डाइट प्लान वगैरह आपने जैसा अभी बताया है, क्या इन सब चीजों को लेके, बिकॉज अभी ये साल इसलिए आ रहा है कि जिस रफ्तार से फैलता जा रहा है ये जो नया वायरस है जो मंकी पॉक्स है, उसमें थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है कि अगर भारत में आता है तो जो सेकेंड वेव हमने देखा था उस तरह की क्या स्थिति बनती है। ऐसा एक्चुअली देखिए, कोविड और मंकी पॉक्स में ना काफी सारे डिफरेंसेस भी हैं। अगर जो हमने कोविड के समय में साइकोसिस देखा था, कोविड के समय में बड़ी सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से वो बहुत ही भयावह रूप से हमारे सामने आए। कोविड के समय में हमें पता है कि वी डिड नॉट हैव एनी ड्रग्स और एनी वैक्सीन अवेलेबल, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ठीक है, ना वैक्सीन थी ना ड्रग थी, कोई भी हमारे पास अवेलेबिलिटी थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट की कुछ भी नहीं थी। और ऐसा मंकी पॉक्स के केस में नहीं है। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, एक बहुत ही डेफिनेट वैक्सीन, जीनियोस नाम है उसका, इम्वाव्यून के नाम से आता है, ये हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रेटेजिक नेशनल स्टॉकपाइल में, US में और बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने वैक्सीन अवेलेबल है। और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इज गुड इनफ टू प्रिवेंट मंकी पॉक्स ऑल्सो, जो कि हम एक रिंग वैक्सीनेशन के द्वारा फर्दर ट्रांसमिशन काफी रोक सकते हैं। रिंग वैक्सीनेशन का मतलब होता है
इन्फेक्टेड पर्सन के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को वैक्सीन देना, वो एक तरीका है। इसके अलावा हमारे पास आज के डेट में एंटीवायरल्स हैं जो स्मॉल पॉक्स के लिए डेजिग्नेटेड है, विच आर इफेक्टिव फॉर स्मॉल पॉक्स। टेकोवायरामाइट है, टेकोवायरामैट है, वी हैव सिडोफोविर, वी हैव सर्टन ड्रग्स जो कि काफी अच्छे से स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों को टैकल करने के लायक हैं। तो ट्रांसमिशन की काफी कम होना, ड्रग्स का अवेलेबल होना और जो वेरिएंट है उसका इतना माइल्ड वेरिएंट होना, ये सब ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है जिसके थ्रू हमें कोविड वाला फियर साइकोसिस में इंडल्ज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जायसवाल, बहुत लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि अगर बच्चों को स्मॉल पॉक्स के टीके नहीं लगे हैं तो क्या अभी लगवा लेने से इस चीज का खतरा टल सकता है या उनके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं अगर भारत में इस तरह की बीमारी फैलती है तो? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि भारत में ऐसी बीमारी नहीं फैलेगी। पहली बात, जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो अभी केवल इसको प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंटिव व्यू के लिए बच्चों को लगाना का भी कोई बहुत ज्यादा मुझे तो इस समय कोई समझ में नहीं आता। ये एपिडेमियोलॉजिस्ट या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये लोग ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, जज कर पाएंगे, जरूरत है। पर क्योंकि अभी इतना कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसा कोई बहुत सिवियर इन्फेक्शन नहीं ना, ये अभी कोई पब्लिक हैजार्ड नहीं ना, ये कोई पब्लिक हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू नहीं कर रहा है, तो हमें इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं ना। अगर किसी को हो भी जाता है मंकी पॉक्स, अगर वो अपने को आइसोलेट हल्का सा भी कर ले, अपने सारे कपड़े सुबह जो पहने उसको धुल दे, खुद धुल दे, अपनी हाइजीन का ध्यान रखे, तब भी इस वायरस का जो स्प्रेड है वो बहुत कम होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल इस छोटे से चीजों के लिए हमें किसी चीज को, अगर आपको चाकू से मर सकता है उसके लिए कोई गन निकालने का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो अभी इसके में कोई वैक्सीनेशन का कोई रोल एज सच बच्चों में तो नहीं है। डॉक्टर रुचि, आपसे आखिरी सवाल, यानी भारत में अभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है इस मंकी पॉक्स से? यस, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है। इसका कोई भी दैट पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल 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 जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सब लोग एक बहुत बड़ी फियर साइकोसिस, पैनिक अटैक्स, पैनिक सिचुएशन फ्रॉम कोविड अभी निकल चुके हैं, गुजर चुके हैं, और दैट हैज बीन रियली वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग। नाउ अगर जरूरत होती तो डेफिनेटली ऐसा बोला भी जाता, पर अभी इसके पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। इट कैन हैपन, डॉक्टर जायसवाल सेड चांसेस कम है, बिल्कुल, पर अभी हमने बोला वर्ल्ड इज वन, तो हो तो सकता है, बट देन अल्टीमेटली इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अभी अगर आप कंट्रीज भी देखोगे ना, तो उस कंट्री के हिसाब से भी देखोगे हमारे आने के चांसेस अभी भी कम लग रहे हैं। एंड एक और चीज इम्पोर्टेंट होती है कि जो पॉपुलेशन है आपके यहाँ, अब हमारे यहाँ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन बेसिकली कौन है? चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनमें जो सबसे ज्यादा खतरा है। बिकॉज अदरवाइज जो थोड़े से ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, जिन लोगों ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन ले लिया, वो तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। अभी अलग बात है उसकी वेनिंग ऑफ इम्यूनिटी क्या हुई है क्या नहीं। दूसरा जो आपका एक इशू ये चल रहा था वैक्सीनेशन, अगेन आई एम ऑल्सो इन नॉट फेवर ऑफ गिविंग वैक्सीनेशन इनडिस्क्रिमिनेटली टू एनी वन। एज डॉक्टर श्रुति सजेस्टेड, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ गोइंग फॉर रिंग वैक्सीनेशन, रिंग इम्यूनाइजेशन, दैट मेक्स सेंस। अदरवाइज गिविंग वैक्सीनेशन for a thing which is still not a public health concern issue and which is still does not have a risk for mutations and all, I think we shouldn't raise or create big hue and cry. Yes, we should definitely create awareness. I'm okay with that. But abhi humko at least India mein koi itna issue karne ka zarurat nahi hai. Let's wait and watch. Let's be careful. It's always better to be have careful attitude, preventive attitude, that's all fine. But I don't think, it doesn't look like a major concern to me as of now, I will say. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत अहम जानकारी दी है और मुझे लग रहा है कि जितनी बातें इसको लेके की जा रही हैं, उसको अगर सावधानी से सुनिए, जो भी डॉक्टर ने बातें कही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, हाइजीन को मेंटेन करने की जरूरत है, आपको अपने डाइट प्लान को सही रखने की जरूरत है और एक प्रॉपर जो हम हाइजीन मेंटेन करते आ रहे हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। फिलहाल इस मंकी पॉक्स से भारत में लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और जरूर ये जानकारी हमारे लोगों को काम आएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।